हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। भाई सर्दियां आ चुकी है और सर्दियों का असर तो ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मेरे ऊपर आया है। आपको आज के इस वीडियो में मेरी आवाज़ से भी महसूस होगा कि इसको तो बड़ी जोर की सर्दियाँ लगी है। तो आज जो है ना गुरुवार सुबह का टाइम है, 9:30 हुआ है और अखंड जो जो है ना अभी जल रही है। आई थिंक 10 मिनट और शायद 10-15 मिनट और जो है ना जोत चलेगी। एंड देन उसके बाद जो है ना माता का स्थान में जो है ना यहाँ से माता की मूर्ति जो है ना ऊपर मंदिर में रख दूंगी और ये सब बाकी की चीज़ें जो है ना साइड की क्लीन कर दूंगी अभी। तो लक्ष्मी माता की और गणेश भगवान की जो ये मूर्ति है जो कि मैंने दिवाली पूजा में जिनकी पूजा की थी, ये मैं अपने मंदिर में विराजमान कर दूंगी। और लास्ट ईयर के लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है ना वो मंदिर के ऊपर रखी हुई है, तो वो भी जो है ना बस आज या कल में मैं विसर्जन कर दूंगी उस मूर्ति का, पुरानी मूर्ति का। और ये सत्यनारायण स्वामी की भी तस्वीर मैंने जो है ना मंदिर में रख दी और ये श्री अंतरम मैं ना मंदिर के ऊपर रखती हूँ क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है, मंदिर के अंदर आता नहीं और मेरा हाथ वहाँ तक जाता नहीं। तो मैंने जो है ना हस्बैंड से कहा कि आप ये मंदिर के ऊपर रख दीजिए। और अब जो है ना हटड़ियाँ वगैरह जितनी मैंने यहाँ पे सजा के रखी थी, पूजा के लिए रखी थी, वो सब भी यहाँ से उठा के और इन्हें भी जो है ना साफ़ करके मैं पैक करके रख दूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। और हटड़ी का जो ये प्रसाद है ना वो हम सब जो है ना कंज्यूम कर लेंगे। और ये माता के लिए मैंने श्रृंगार रखा था और ये जो डायरी है लक्ष्मी पूजा की और ये वाली ड्रेस रखी थी मैंने माँ लक्ष्मी के लिए दीपावली पूजा में। मैं हर साल माता पे जो है ना एक ड्रेस और कुछ श्रृंगार ज़रूर चढ़ाती हूँ वहाँ पे, और हालांकि उसे मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, बाद में पूजा के वक्त बस रख देती हूँ, उसके बाद मैं ही यूज़ करती हूँ, बट कुछ ना कुछ ड्रेस जो होती है ना मैं वहाँ पर ज़रूर से चढ़ाती हूँ। और ये बाकी चीज़ें सब जो है ना मैं अब यहाँ से हटा दूँगी। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी धनतेरस की शॉपिंग। तो ये एक छोटा सा बॉक्स लिया था मैंने, डब्बा ये घी का, डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए मेरे पास ऐसा बड़ा है, आपने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। तो ये मैं डाइनिंग टेबल पर थोड़ा सा घी रख के इसे रखने के लिए लिया है। और ये एक मैंने जो है ना ट्राईप्लाई की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई के साथ ये स्टील का ही लिड इसके साथ मिला था सेट में। और ये ग्लास लिड जो है ना मैंने एक एक्स्ट्रा खुद से ख़रीदा, लगभग 250 के आसपास ये पड़ा था ग्लास लिड। और ये कढ़ाई, मुझे ग्लास लिड जो है ना पर्सनली कढ़ाई पे पैन पे बहुत पसंद आते हैं। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि मेरे पास काफ़ी सारी ग्लास लिड का भी जो है ना कलेक्शन है और ये अब उसमें एक और छुड़ गया। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ों को यहाँ से कलेक्ट करके और सेट कर लिया और ये सारी चीज़ें अब जो है ना हस्बैंड लेकर जाएंगे विसर्जन के लिए। और ये इलेक्ट्रिकल लैंप भी जो है ना मैं इस तरीके से बॉक्स में पैक करके रख दूंगी बिकॉज ये हम दीपावली पे ही यूज़ करते हैं, बाकी टाइम पे ये जो है ना मैं गुरुमेरा जी के मंदिर के नीचे वाले खाने में रख देती हूँ, अदरवाइज़ बच्चे छोटे हैं ना डर लगा रहता है ख़राब ना करें। और ये जो माँ लक्ष्मी की मैंने बेडशीट बिछाई थी ना इस बिस्तर पर, उसे भी मैं फोल्ड करके रख लूँगी। इस बेडशीट के साथ जो है ना पहनने वाली ओढ़ने वाली जो बेडशीट होती है ना वो भी थी। और ये जो पिलो कवर है ना बहुत ही बड़ी साइज़ के हैं और ये बेडशीट बहुत ही ज़बरदस्त वाली बेडशीट है। इसका मैं दिखाती हूँ आपको, चारों तरफ इसमें जो है ना इलास्टिक लगी हुई थी, देखिए इस तरीके से आपको जो है ना उसको फोल्ड करने के बिछाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। और बिल्कुल एक बार आप पीछे बिछा दीजिए और उसके बाद ये बिल्कुल अपनी जगह से ना हिलती नहीं है क्योंकि ये इसमें इलास्टिक लगा है ना उससे अच्छी खासी ये सेट रहती है, बट इसे फोल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ मुझे। और बस अब इसके बाद बच्चों का बेड जो है ना मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी और बच्चे आज से इसी रूम में सोएंगे बिकॉज 3 दिन दिवाली में वो जो है ना तीनों बच्चे हमारे साथ हमारे रूम में सो रहे थे। और अब बस बच्चों का बेड भी मैं यहाँ पर सेट कर चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे खासे खुशहाल होंगे। मैं जो है ना मैं ठीक हूँ बट ठीक नहीं हूँ ऐसे ठीक हूँ बट थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। दीपावली की रात क्या हुआ ना कि मतलब सब पूजा वगैरह करके टेरेस पे गए थे बच्चों के साथ फटाके फोड़ने। बच्चे जो है काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि मम्मा चलो ऊपर फटाके फोड़ने, ठीक है। तो वहाँ पे जो है अच्छी खासी ठंडी हवाएं चल रही थी और 1.5 घंटा हम वहाँ पर थे तो थोड़ी सी जो सर्दी हो गई है, गला बैठ गया है।
एनीवेज ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा सर्दी को ठीक होने में टाइम लगता है। तो बस अब गुरुवार है आज, तो मुझे माता का पूरा स्थान भी वहां से उठा रहा था। 3 दिन हो गए दीपावली के, और व्रत भी है मेरा भी, हस्बैंड का भी। तो बस अब उठे हैं और ये सब पूरा जब सेटअप उठा लिया मैंने, माता का मंदिर का पूरा सेटअप कर लिया। और अब जो ये नई कढ़ाई खरीदी है धनतेरस वाली, इसमें कुछ मीठा बनाऊंगी। वैसे तो मेरा कुछ और ही प्लान था, एक अच्छी सी रेसिपी सोची थी आपके साथ शेयर करूंगी, बट तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। तो सिंपल सी जो है ना सेवैया की खीर बना दूंगी, बिकॉज नई कढ़ाई है ना, तो उसमें पहली बार कुछ ना कुछ मैं मीठा बनाने की कोशिश करती हूँ। कि जो भी मैं नया कुछ वेसल्स खरीदती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि कुछ उसमें मीठा बनाऊँ। तो बस बनाते हैं सिंपल सी सेवइयों की खीर। और बच्चे भी स्कूल से जो है ना आते होंगे, तो बच्चों के लिए जो है ना मैं जल्दी से थोड़ा सा कुछ कुछ डाल के पुलाव बना देती हूँ। मेरी वैसे ज़्यादा स्टेमिना है नहीं आज कुछ करने की, तो बस बनाते हैं कुछ बच्चों के लिए जल्दी से। बस प्रेशर कुकर में मैंने जो है ना लगभग 4 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया, एक तेज पत्ता, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 छोटी इलायची और थोड़ा सा जीरा डाल के, और जो सब्जियां मेरे पास अवेलेबल थी, प्याज, आलू, गाजर, वो सब डाल के मैंने जो है ना सिंपल सा वेज पुलाव बना दिया। ज़्यादा सब्जियां तो नहीं थी मेरे पास, मटर वगैरह, तो और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसमें, और भून के मैंने जो है ना इसमें बस नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच गरम मसाला। बिल्कुल सिंपल सा जो है ना पुलाव है, एक विजल में बन के तैयार हो जाता है, और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। बट हाँ, इस पुलाव के साथ जो है ना मेरे बच्चों को रायते की आदत है, वो लोग जब भी पुलाव खाते हैं ना, तो रायता उन्हें जो ना बिल्कुल मस्ट होता है साथ में। और आज रायता मैंने नहीं बनाया, तो मैंने यहाँ पे ना 1.5 ग्लास पानी डाल दिया, और 1 ग्लास चावल मैंने धो के भिगा के रखे थे इसे भूनने के पहले, कुछ पत्ते पुदीने के मैंने इसमें डाल दिए, और ये भीगे हुए चावल डाल के इसे जो है ना ज़्यादा नहीं, बस एक विजिल मैं दिला दूंगी। सिंपल येट इजी एंड टेस्टी पुलाव बन के तैयार होता है एक ही विजिल में। जब बिल्कुल हेल्थ सपोर्ट नहीं करती ना, तो मुझे ये सबसे इजी रेसिपी लगती है। तो बस एक विजिल में जो है ना ये यम्मी सा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। इसके जो खड़े मसाले हैं ना, वो मैं इसमें से निकाल के अलग कर दूंगी, अदरवाइज खाने में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। और इनका फ्लेवर अच्छा खासा जो है ना पुलाव में आ चुका है। तो बस बच्चे भी जो है ना स्कूल से आ चुके थे इस समय तक, और बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह चेंज करके उन्हें जो है ना पुलाव दे दिया। और मेरी वर्षा रानी इतने ज़्यादा नखरे कर रही थी, इतने ज़्यादा नखरे कर रही थी, बिकॉज़ दही नहीं थी घर पे। बिकॉज़ मौसम ऐसा हो रखा है ना, तो मैं दही बिल्कुल जमा ही नहीं रही हूँ घर पे, तो मैडम जो है ना बिल्कुल खाने को रेडी ही नहीं हो रही। और से खाना खिलाने के लिए ना अच्छा खासा मुझे सर में दर्द हो गया लिटरली। आई मीन बाद में अल्टीमेटली खाया इसने अच्छे से, बट पहले बहुत ज़्यादा नखरे किए कि कैसे न कैसे मम्मी मान जाए और पापा को बोले कि दही का एक पैकेट लेकर आओ। बट मैंने ना, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, इन्हें अगर ऑलरेडी मुझे भी कोल्ड कप हो रखा है, फिर अगर दही खाएंगे फ्रिज का रखा हुआ स्पेशली, क्योंकि स्टोर से लाते हैं तो वो फ्रिज का रखा हुआ ही रहता है, तो बट ये बच्चे जो है ना ये बातें नहीं समझते। तो एनीवेज जैसे तैसे मैंने उसे जो है ना लंच खिलाया। और बस शाम का टाइम है, मैंने जो है ना पतिदेव और अपनी दोनों की चाय चढ़ा दी, और अब हम पियेंगे चाय। बिकॉज फास्ट है ना, तो चाय एक लगता है कि कम से कम 2 बार तो अच्छे से पी लो व्रत में, और एनीवेज 2 से ज़्यादा हम पीते भी नहीं है। तो बस जब चाय पीते पीते थोड़ी सी गप्पे मारेंगे, एंड देन उसके बाद जो है ना बृहस्पति देवता की कथा पूजा वगैरह करेंगे। तो बस चाय पी के बृहस्पति देव की हमने व्रत की जो कथा होती है वो भी कर ली, और अब मैं श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा वगैरह कर लूँगी, शाम की संध्या बाती कर लूँगी, एंड देन उसके बाद जो है ना डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर बहुत ही सिंपल बनेगा, सेवैया की खीर और पराठे। तो मैंने ये मेरी नई वाली जो कढ़ाई है ना वो चढ़ा दी, और अब मैं इसमें डालूंगी 2 छोटे चम्मच के करीब
शुद्ध घी, और उसमें जो है ना सेवैया भून के, जैसे हम रेगुलर सेवैया बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से रेगुलर वाली सेवैया बना लूंगी। हस्बैंड को मोस्टली गुरुवार के व्रत में यही जो है ना खाना पसंद आता है। मैंने कई बार मीठा दलिया हलवा वगैरह बनाती हूँ, बट वो सेवैया ही जो है ना चाव से खाते हैं व्रत में, उनको यही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा सेवैया को भून के मैंने थोड़ा पानी डाल के इसे कुक कर लिया, एंड देन उसके बाद जो है ना इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें दूध डाल के, शक्कर, इलायची और जो भी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के सिंपल वाली ये सेवैया की खीर बना लूंगी। तो सेवैया की खीर भी जो है ना यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल वाले प्लेन पराठे बिना नमक या किसी भी मसाले के, क्योंकि नमक हम खाते नहीं हैं। तो बस नॉर्मल से रेगुलर जो पराठे होते हैं ना, वही रेगुलर वाले पराठे सेक लूँगी मैं, और सेवैया के साथ खाएंगे हम आज का डिनर। बच्चों के लिए थोड़ा सा पुलाव शाम वाला ही रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ी तो एकाध नमक मिर्ची वाला जो पराठा होता है ना सिंपल सा, वो मैं यहाँ पे सेक लूँगी उनके लिए। तो बस यहाँ पे सारे पराठे भी मेरे सिक चुके हैं, और अब मैं सर्व कर लूँगी हस्बैंड के लिए उनका डिनर आज का। उनको जो है ना भूख लग रही है, तो बस उन्हें सर्व करके दे दूँ, एंड देन उसके बाद जो बच्चों को खिला के, एंड देन मैं अपना डिनर लास्ट में ले लूँगी। बिकॉज़ मैं खा लेती हूँ ना व्रत के दिन खाना, तो मुझे बाद में जो है ना बड़ी सुस्ती लगती है, लेकिन बच्चों को ना खिलाने के लिए बैठना पड़ता है, और फिर खाना खाने के बाद वो सुस्ती में वो काम होता नहीं है। तो पहले बस सर्व करके हस्बैंड को दे दूँगी उन्हें खाना, एंड देन उसके बाद बच्चों को खिला के मैं भी अपना खाना खा लूंगी। और बस इसी के साथ जो है ना मैं ये आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।